लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। माननीय राज्य निवडणूक आयोग की सूचना के अनुसार नवी मुंबई महानगरपालिका का 2022 का जो इलेक्शन है इसके लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया अभी शुरू है। हमने प्रारूप यादी पब्लिश की है 23 जून को और 23 जून से लेकर 1 जुलाई तक प्रारूप यादी पे जो ऑब्जेक्शन होंगे वो मंगवाए गए हैं। जो ऑब्जेक्शन आपके नागरिकों की तरफ से आएगा वो ऑब्जेक्शन क्षेत्रीय कार्यालय जो है विभाग कार्यालय वहाँ पे, उसके अलावा महानगरपालिका मुख्यालय जो हमारा इलेक्शन ब्रांच है उस ऑफिस में ऑब्जेक्शन दिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन आपका जो आएगा नागरिकों का उसके लिए एक मॉडल फॉर्मेट माननीय राज्य निवडणूक आयोग की तरफ से दिया गया है। मैं सभी नागरिकों को आह्वान करूंगा कि कृपया सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्मेट में आपका ऑब्जेक्शन आए इसकी आप दक्षता लें। जो बदल इस बार किया है माननीय आयोग ने उसके अनुसार हर एक ऑब्जेक्शन में जो एड्रेस आपको एक्सपेक्टेड है वो एड्रेस का आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना एक्सपेक्टेड है। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जोड़े बिना कृपया आपका ऑब्जेक्शन ना आए इसकी आपने दक्षता लेना इंपॉर्टेंट है। महानगर पालिका की तरफ से जो मतदार यादि अपडेट करने की कार्यवाही की जाएगी उसमें माननीय आयोग की तरफ से 3 बदल करने की अथॉरिटी महानगर पालिका को दी गई है। उसमें पहला बदल जो एक्सपेक्टेड है वो है क्लेरिकल मिस्टेक अगर कहीं पे है तो वो बदल किया जाएगा। दूसरा बदल एक्सपेक्टेड जो होगा अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर लिस्ट में किसी का नाम है और कॉरपोरेशन वोटर लिस्ट में वो नाम एक्सक्लूड किया गया है गलती से वो बदल करना हमारा अथॉरिटी में आता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बदल हो सकता है अगर किसी नागरिक का इलेक्ट्रल वोटर लिस्ट जो असेंबली की है उसके एड्रेस जो मेंशन है उस पर वो रहता है लेकिन उस एड्रेस पर रहते हुए भी उसका नाम किसी और प्रभाग में दिखाया गया है तो वो नागरिक हमें यहाँ पे ऑब्जेक्शन अपने दर्ज कर सकता है और हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नागरिकों ने नमूद करना इंपॉर्टेंट है अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर लिस्ट में आपका एड्रेस जो लिखा है उस पर अगर आपका रहवास नहीं है आप कहीं और रहते हो और अगर नागरिकों की अपेक्षा है कि अभी मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मेरा नाम दर्ज किया जाए वो बदल करने का अधिकार महानगर पालिका को माननीय आयोग ने नहीं दिया है। मैं सभी नागरिकों से अर्ज करता हूं कि आपने जो वोटर लिस्ट है वोटर लिस्ट में अपना नाम है कि नहीं पहली बात और कौन से प्रभाग में आपका नाम है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी दरख्वास्त है कि आपने ये वेरीफाई करना है अगर आपको बदल चाहिए तो फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन करना है। माननीय आयोग की तरफ से जो ट्रू वोटर एप्लीकेशन दिया गया है इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह एप्लीकेशन के जरिए अगर आपको कोई कंप्लेन दर्ज करनी है तो आपको किसी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है आप वो फॉर्मेट में अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर का यूज करके एप्लीकेशन में भी अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।